हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गर्मियाँ शुरू होते ही हमें रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आज आपके लिए रिफ्रेशिंग से ड्रिंक लेके आई हूँ, लेमन मिंट आइस टी, जो बनाने में बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेमन आइस टी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली जितना ड्रिंक बनाना है उतना पानी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाला है बर्तन में और यहाँ पर मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने चाय पत्ती डाल दी है। अब हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे, इसको हमें बॉईल करना है। यहाँ पर मैंने इस बर्तन को गैस पर रख दिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसको हमें बस हल्का सा एक बॉयल आते ही हमको गैस बंद कर देना है। ज़्यादा नहीं उबालना है इस पानी को। ज़्यादा उबालने से जो है चाय का फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए उबाला आ गया, मैं गैस ऑफ़ कर रही हूँ। गैस मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसको मैं एक बड़े से जग में छान कर निकाल लूँगी। चाय वाली छन्नी जिसे हम चाय छानते हैं उसी से छान कर इसको निकाल लेंगे। ये हमारी ब्लैक टी जो है वो तैयार हो गई है। अब हमें इसे इसमें छान कर ठंडा करना है। यहाँ पर देखिए पूरी जो ब्लैक टी है मैंने इसमें निकाल ली है। अब इसको बिल्कुल ठंडा करना है। थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए तो इसमें आइस डाल देंगे। ये थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, अब मैंने इसमें आइस डाल दिया। इस बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो अभी हम सर्व करेंगे इसको। आइस को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको ठंडा करना ज़रूरी है, इसमें आइस डालनी ज़रूरी है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ पर इसको ग्लास में सर्व कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें ग्लासेस में बहुत सारी आइस डालनी है क्योंकि हमारे ड्रिंक का नाम ही लेमन आइस टी है, तो अच्छे से आइस डालनी पड़ेगी इसमें। और ये कुछ मैंने फ्रेश मिंट लीव्स लिए हैं, पुदीने के पत्ते, इनको भी हम साथ में ही डाल देंगे ग्लास में। इससे बहुत ही रिफ़्रेशिंग जो फ्लेवर आता है ड्रिंक के अंदर, तो ये ज़रूर डालने हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। दोनों ग्लासेस में मैंने 1-1 चम्मच जो है लेमन जूस डाल लिया है। आप लेमन जूस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अब हम इसमें जो हमने टी बना के रखी हुई है उसे डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें लेमन के स्लाइसेस भी कट करके डाल सकते हैं। दोनों ग्लासेस में मैंने टी को डाल लिया है। अगर आप इसमें शुगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप शुगर की जगह हनी यूज़ कर सकते हैं। जब हम टी को बॉईल कर रहे थे, बॉईल करने के बाद हमने छान कर जग में डाला है, तो उसे ठंडा करने के बाद उसमें हनी डालना है आपको। और जो लोग बिल्कुल ही मीठा अवॉइड करते हैं वो इसमें शुगर फ्री डालकर भी पी सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों ग्लासेस में टी को मिक्स कर दिया अच्छे से चम्मच से। जो हमने इसमें मिंट लीव्स डाले थे उसका फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए और थोड़े से मिंट लीव्स के साथ में मैंने इसको गार्निश किया है। तो लीजिए, तैयार है हमारा रिफ्रेशिंग सा समर ड्रिंक और बहुत ही टेस्टी लगता है ये पीने में। आप चाय पीना भूल जाएंगे, रोज़ ही लेमन मिंट आइस टी पियेंगे, इतनी टेस्टी होती है ये। और इसे ज़रूर बनाइए अपने घर पर और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।